Someone will ask me something. जोर से बोल जो सबसे पहले कच्छ एक्सप्रेस का आज ट्रेलर लॉन्च है, इसके लिए मानसी और पार्थिव को बहुत बहुत बधाई, विरल जी को बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूँगा कि फिल्म बहुत अच्छी चले और लोगों को अप्रिशिएट करे। मेरे ख्याल से फिल्म तो जनवरी के आसपास शायद रिलीज होगी और उस वक्त हम सब मिलकर साथ में देखेंगे फिल्म। आज ट्रेलर का मज़ा लेते हैं। हाँ, रत्ना जी हैं, मानसी खुद है, दर्शिल भी है, और भी अच्छे अच्छे होनहार कलाकार है, तो बहुत अच्छी कास्ट है, तो फिल्म अच्छी ही होगी। जब ट्रेलर मैंने देखा तो इतना इंक्विजिटिवनेस आई। ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पहले नहीं देखी। इस तरह का ग्रैंड कच्छ इतना ब्यूटिफुली मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रॉमिसिंग ट्रेलर है, तो बहुत इंतज़ार है यू नो फिल्म देखने का। आई थिंक व्यूअर्स को यही लग रहा होगा। या थैंक यू। हाँ जी, तो आज बहुत एक्साइटेड है बिकॉज ट्रेलर लॉन्च है और अभी तक टीज़र लॉन्च हुआ है एंड बहुत प्रोत्साहन मिला है, सपोर्ट मिला है, नॉट जस्ट गुजरातीज बट नॉन गुजरातीज से भी, इंडस्ट्री से भी। पार्थिव एंड मी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है एंड फाइनली आज ये ट्रेलर जब लॉन्च होगा यहाँ से तब पूरी दुनिया इसे देखेगी और रिलीज़ होगी 6 जनवरी 2023 को। पार्थिव, गुजराती में मानसी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, वो बोलना चाहूँगा कि जेवी डूंडी एवा घऊं जेवी सासू एवी बहु। मतलब आप फिल्म में खुद देख लीजिएगा, मतलब सास और बहू का ऐसा रिश्ता आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। और इस फिल्म में बहुत सारे पहलू हैं, आर्ट है, कच्छ की भूमि है, लेकिन जो स्टोरी है इट इज़ ग्लोबल एंड देर आर सो मेनी लेयर्स, रिलेशनशिप, म्यूज़िक, सचिन जिगर ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है, गुलराज ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है, और जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने अपना बेस्ट दिलो जान से मेहनत की है। एंड वी आर रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये 3 साल की हमारी जो मेहनत है वो आज उसका पहली झलक, मतलब कि ट्रेलर आप सब देखेंगे और वी आर होपिंग कि सब इसे प्यार करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रत्ना जी की ये पहली गुजराती फिल्म है, शी इज़ डेब्यूइंग, दिस इज़ द फर्स्ट एवर गुजराती फिल्म दैट शी इज़ डूइंग, एंड दर्शील सफारी उनकी भी पहली गुजराती फिल्म है, और जो विराफ पटेल है उनकी भी पहली गुजराती फिल्म है। तो वी फील इट्स ग्रेट कि गुजराती इंडस्ट्री, रीजनल सिनेमा इतना बढ़ रहा है, यू नो मलयालम, तमिल, तेलुगू, मराठी सिनेमा इतना आगे बढ़ रहा है, तो गुजराती सिनेमा भी अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ऑस्कर्स में नॉमिनेशन मिल गया है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर छेलो शो जो पैन नलिन की फिल्म है। एंड आई थिंक एज अ फ्रटर्निटी एंड एज ऑडियंसेज ऑल्सो लोगों को पता चल रहा है कि अगर कहानी अच्छी हो तो वो किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन कहानी और पेशकश अच्छी होनी चाहिए। और ये सभी कलाकार अभी हमारे साथ बैठ के ये ट्रेलर देखेंगे yes. और आप सब भी हमारे साथ आइए और इस ट्रेलर का पहला लुक देखिए। एब्सोल्युटली। एक्चुअली ये आई वुड से इट्स अ स्टोरी, और स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट जो भी हो, अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग हो, स्टोरी एंगेजिंग हो, परफॉर्मेंसेज अच्छी हो, अच्छे से लिखा हो, दर्शाया गया हो, तो ऑडियंसेस डेफिनेटली देखती हैं, और यही हमने किया है एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कच्छ एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।
तो आज कच एक्सप्रेस का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मानसी एंड पार्थिव आर लाइक रियली रियली डियर फ्रेंड्स ऑफ माइंड. आई मीन आई नो देम सिंस सो मेनी इयर्स एंड आई एम सो प्राउड ऑफ मानसी. लाइक आई हैव सीन हर ग्रोइंग अप, लाइक यू नो मे बी बोथ हैव ग्रोन अप लिटरली टुगेदर. सो इट्स सो अमेजिंग टू सी बोथ ऑफ देम टर्निंग इनटू प्रोड्यूसर्स एंड वी ऑल नो मानसी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग हर ऑन दिस फिल्म इज वेल. हाँ यस यस ऑफ कोर्स मैं टीज़र देखा. आई थिंक इट्स फैबुलस. मानसी इज लुकिंग सो ऑथेंटिक इन एवरीथिंग इन द होल ट्रेलर एंड ऑफ कोर्स रत्ना मैम शी इज ग्रेट टू. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ओके थैंक यू. बट देन इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए और कंग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ के एक्टर्स को आई एम हियर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर लॉन्च एंड ऑल्सो फॉर द फिल्म. આપણા ગુજરાતી સિનેમામાં આટલી સરસ ફિલ્મ આવી રહી છે એ પણ આટલા વખત પછી. સો ઇટ્સ એન એબ્સોલ્યુટ પ્લેઝર ટુ વોચ સચ અ ફિલ્મ. બહુત અચ્છા લગા મુજે ટીઝર ઓર ટીઝર દેખને કે બાદ હી ટ્રેલર દેખને કે લિએ ઇતની એક્સાઇટમેન્ટ હો રહી હૈ ઓર ઉસસે ભી ઝ્યાદા મૂવી દેખને કી એક્સાઇટમેન્ટ હૈ. સો આઈ એમ શ્યોર ઇટ્સ ગોના ગો રિયલી ગુડ. जिस तरह से फिल्म बनाई गई है, जिस तरह से एक्टर्स ने एक्टिंग की है उसमें, जिस तरह से फिल्म दिखने में आ रही है, बहुत ही बढ़िया है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आई थिंक सो जब से पहला टीज़र आउट हुआ है, पहला विजुअल आउट हुआ है, एवरीबडी हैज़ बीन रियली रियली एक्साइटेड. इट्स वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट काइंड ऑफ विजुअल्स पीपल एक्चुअली सी ऑन रीजनल सिनेमा. एंड आई वुड से दिस इज़ जस्ट सिनेमा. मीन हमने एक फिल्म बनाई है, लैंग्वेज गुजराती है. अदरवाइज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब यू नो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम OTT का दौरान निकला था एंड पीपल वर लाइक यू नो अब थिएटर में लोग तभी जाएंगे जब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा. तो आई थिंक सो वी वॉन्टेड टू टेल अ स्टोरी विथ अ सिनेमैटिक एंड अ विजुअल एक्सपीरियंस. सो कच एक्सप्रेस इज एक्चुअली अ फिल्म वेर इफ यू वॉन्ट टू गो आउट इन थिएटर्स एंड गेट अ ब्यूटिफुल स्टोरी नैरेटिव विथ विजुअल ब्यूटिफुल विजुअल्स देन दिस इज द फिल्म. हमें जब से ट्रेलर आज तो ट्रेलर लॉन्च है, जब से टीजर लॉन्च हुआ है तब से काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है लोगों में. सो आई वुड लाइक टू से दैट we will live up to your expectations. We all have worked towards making this film with lots of heart, including the actors, to every crew member, to every technician. So we are just hoping for a lot of love from all of you guys. Yeah. So in fact Ratna ji kafi time se ये सोच रहे थे कि मैं गुजराती फिल्म करूं, पर ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आ रही कि मैं कर सकूं. एक्चुअली वी आर वेरी लकी टू हैव रत्ना मैम इन आवर फिल्म एंड हर डूइंग दिस एज हर फर्स्ट फिल्म. सो या वी आर सुपर एक्साइटेड एंड वी स्पीक अबाउट रत्ना जी एंड रत्ना जी इज हियर. हेलो जी. मैं कई सालों से गुजराती फिल्म करने की कोशिश कर रही थी. मेरी अपनी मादरी जबान है. मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इसमें, लेकिन कोई स्क्रिप्ट सही नहीं मिला. और ये जब आइडिया सुना, एक तो मानसी को मैं पहले से जानती हूँ, नाटक में काम करती हैं, तो कुछ भरोसा उससे ही बन गया हमारा. और दूसरा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा आइडिया है. एंड जिस तरह से इस पे काम किया गया, जितनी मेहनत से काम किया गया है और जितना दिल खोल के कोशिश और पैसा दोनों लगा है इस फिल्म में, ये देख के मैं बहुत प्रसन्न हुई. और जब स्क्रिप्ट फाइनली आई हाथ में, बहुत ही अनयूजुअल और बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड स्क्रिप्ट थी, तो कोई सवाल ही नहीं था. पहचाने हुए लोग हैं और yes. बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है. तो नेकी और पूछ क्या टीजर देख के हाँ आगे देखिए पिक्चर में क्या होता है. उनकी एक लाइन है फिल्म में कि बायू पिक्चर अभी बाकी छे. क्या
स्क्रिप्ट की जो स्ट्रेंथ है वो मानसी के कैरेक्टर से जुड़ी हुई है और मेरा कैरेक्टर भी बहुत अनयूजुअल मुझे लगा, और ये दोनों औरतों का साथ में मिल करके एक अलग तरह की जंग लड़ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। और इस पर कोई मेलोड्रामेटिक सिचुएशंस बनाने की कोशिश नहीं है, असली ज़िंदगी में से उभरती हुई बातों को खूबसूरती से पेश करना। और खूबसूरती, बाप रे, इस फिल्म में देखिएगा आप, इतनी खूबसूरती हर तरह की है। कच्छ जो जगह है वो ही इतनी खूबसूरत है, कमाल की जगह है, और वहाँ के लोग, वहाँ के पोशाक वगैरह, आई थिंक ये सारी चीज़ें मिल करके फिल्म का एक बहुत अलग रूप दिख रहा है जो आम गुजराती फिल्में होती हैं उससे। ये बात मुझे बहुत ज़रूरी महसूस हुई और इस बात ने मुझे आकर्षित भी बहुत किया। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये रत्ना जी का बड़प्पन है, पार्थिव और मैं बहुत ही नए प्रोड्यूसर्स हैं, बट शी इज़ सो क्लियर, स्क्रिप्ट अच्छी है तो शी डेफिनेटली गिव्स अस अ चांस, गिव्स पीपल अ चांस। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इतने बड़े दिग्गज कलाकार कभी कभी ना बोल देते हैं बिकॉज प्रोड्यूसर्स नए हैं, लेकिन शी गेव अस दैट चांस, थैंक यू सो मच। नो, मैं हमेशा हमेशा नए लोगों के साथ काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो जो एनर्जी है और वो जो जोश है और कुछ अच्छा करने की लगन है वो अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड है, मुझे वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। थैंक यू। और रत्ना जी, एक और एक मिनट, एक सा कुछ ऐड करना चाहूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि रत्ना जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, इस गुजराती भाषा, मतलब जो इस फिल्म में जो भाषा का प्रयोग हुआ है, जो राम मोरी ने लिखा है, उसके बारे में आपने कहा था कि आप अपने बचपन में जो जुड़े हैं उसके लिए आपने एक लाइन कही थी कि ये लैंग्वेज शायद आपकी जीभ के लिए अनजानी है, लेकिन आप मेरे हृदय में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी जीभ ये ज़बान के साथ कई सालों से परिचित नहीं रही है, लेकिन ये पहली ज़बान मेरे कान में पड़ी थी, मेरी माँ की ज़बान, और उसके वो जिस तरह के नाटक करती थी उनकी ज़बान। सो ये द राइटिंग ऑफ दिस फिल्म, द डायलॉग राइटिंग इन पर्टिकुलर इज़ एक्सेप्शनल, आई फील। हाँ जी, आप पूछ रहे थे। रत्ना, सॉरी, यू स्टार्ट। सो आई थिंक शी इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल एंड परफेक्शनिस्ट, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट बिकॉज शी वॉज द मोस्ट सीनियर मेम्बर इन द ऑन द सेट। जैसे ही उनके साथ हम रिहर्सल्स करते थे तो एक ऐसा लगता था कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर ऑन पार विथ हर। तो हर एक डिपार्टमेंट जुड़ जाता था कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर यू नो ऑल पुटिंग अ बेस्ट फुट फॉरवर्ड। एंड रत्ना जी, रात के 2-4 बजे की शिफ्ट हो, मतलब वो हमेशा इतनी एनर्जी के साथ शॉट देती थी, ऐसा कभी नहीं होता था कि अरे मैं थक गई हूँ अभी नहीं, किसी और का ले लो, ऐसा कभी भी नहीं। ऑलवेज पार्टिसिपेटिंग, ऑलवेज ऑन, एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू परफॉर्मर। सो आई थिंक दैट वॉज इनक्रेडिबल, हर एनर्जी इज अमेजिंग, शी इज इनक्रेडिबल। एंड व्हेन द स्क्रिप्ट, द वर्क इज इंटरेस्टिंग, एनर्जी ऑटोमेटिकली राइजेस। वो तो आगे की बात है, आगे पहले, की बात है। yes, पहले आगे आगे देखते हैं कैसे कैसे जाता है ये पूरा सफर, कच्छ एक्सप्रेस की जर्नी का। अरे, और इस फिल्म में जो जबान है वो उसकी खासियत, exactly. इस माहौल की खासियत है, जबान वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, इसमें अगर हम लोग हिंदी डालने की कोशिश करेंगे तो शायद वो बात नहीं बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। Absolutely. और सबटाइटल है, हम चाहते हैं। Yes. आजकल दुनिया में सब लोग सब तरह की भाषा सुनने के आदि हो गए हैं। शुक्र है कि सबटाइटल की वजह से हम लोग अलग अलग भाषाओं की लाइन की फिल्में देख पाते हैं। लहजे की मिठास है, मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि ये गुजरात की जो कच्छ की मिट्टी की खुशबू है, वो ही खुशबू हर एक भारतीय और नॉन इंडियन महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैं एक्चुअली गुजराती हूँ, एंड मुझे बहुत ही टाइम से कुछ नया करना था, एंड जब मुझे पता चला कि रत्ना पाठक शाह मैम है, मानसी पारिक मैम है, धर्म सर है, सो मैंने बस सोचे समझे बिना हाँ कह दिया। बट मुझे उसके बाद बहुत डर लग रहा था कि मैं किस तरीके से ये कर पाऊँगा, क्योंकि मैं गुजराती हूँ लेकिन मैं उतना कम्फर्टेबल नहीं था कैमरा पर गुजराती कहने के लिए। लेकिन पार्थिव सर, द क्रू, एवरी वन हैज़ बीन सो नाइस, सो हेल्पफुल कि
आई मिस दिस शूट. आई मीन ये शूट करने में इतना मज़ा आया था मुझे. सो ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई थैंक आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. एंड देखते बस नाउ इट ऑल मैटर्स फॉर द ऑडियंस. रोमांस पार्टनर वहाँ पर ही है. रीवा रच शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस. दे सेइंग के मैंने आपको रोमांस किया है आपके साथ. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैंने उनको बहुत ही परेशान किया है. शी वुड लव टू से हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम एंड द एंटायर टीम. एंड वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट शूटिंग इट. एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ ब्लास्ट व्हेन यू वॉच द फिल्म. फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. फिंगर्स क्रॉस्ड. यस. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू. थैंक यू. है इसके अंदर सचिन जिगर ने म्यूजिक दिया है. बहुत सारे नेटिव वर्ड्स, डायलेक्ट, बहुत नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं. तो आई एम श्योर लोगों को सुनने में बहुत मजा आएगा. जी, कच्छ का एक जो गाना है, जो मेन एक सेलिब्रेशन सॉन्ग है फिल्म के अंदर, उसके अंदर कच्छ के लोकल आर्टिस्ट के पास भी हमने गवाया है. कच्छ का डायलेक्ट भी यूज़ किया गया है और बहुत प्यारा लैंडस्केप कच्छ का आपको उस गाने में देखने मिलेगा. नॉट एट द मोमेंट बिकॉज आई डोंट नो वॉट हैज़ बीन रिटेन. बट एज आई सेड के गाने जो लव सॉन्ग है वो भी बहुत प्यारा है. और एक सैड सॉन्ग है जो मानसी पर पिक्चराइज किया गया है. दैट इज़ ऑल्सो हाईलाइट ऑफ द फिल्म. आई एम श्योर आपको गाने सुन के बहुत मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच. नहीं, मैं आज देखूँगा. वो थोड़ा सरप्राइज रखना चाहते हैं. मैं तो पहली फिल्म नसीर साहब के साथ करी है एंड रत्न मैम से तो काफ़ी बातचीत है. तो ऑल ओवर मैं उन्हीं के लिए ही आया हूँ और मानसी जी के लिए भी. लेट्स सी. दीज आर द लिविंग लेजेंड्स. सो कांट से एनीथिंग. सब सिनेमा ऐसा. अभी आप यू कैन डिफाइन एनी रीजनल फिल्म्स. इट्स ऑल अबाउट द फिल्म. कंटेंट्स अच्छा होना चाहिए बस. थैंक यू यार. अगर आप लोग को मेरी शक्ल पहचान में नहीं आई, मैं बता दूं, मैं एक पारसी एक्टर हूँ. मेरा नाम विराफ पटेल है और मुझे मानसी और पार्थिव ने, अरे ये देखो मेरा फोटो भी, मुझे मदन का किरदार दिया है इस पिक्चर में. मैं उस लुक में आया हूँ. आप बोल रहे हैं, हाँ, फिल्म में लुक थोड़ा सा अतरंगी है ना, क्योंकि वो एक अतरंगी स्ट्रीट आर्टिस्ट है. मतलब जो वो कहते हैं ना कि स्ट्रीट आर्टिस्ट क्या होते हैं, कि एक झुंड में हर एक जगह घूमते हैं और अपने आर्ट के ज़रिए कुछ कहना चाहते हैं, तो दीवारों पे पेंट कर देते हैं जो खाली दीवारें होती है, या कहीं पे कोई चीज़ मिल गई उसको पेंट कर दिया और अब मन में जो बात है बोलना चाहते हैं. कहीं वो देश में कोई माहौल चल रहा है तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कि इंसानी फितरत के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं. तो वो उस तरह का आर्टिस्ट है ये मदन. और वो कैसे, वो मोंगी जो हमारी हीरोइन है मानसी जी, कालिया मोंगी जी के साथ उनका कैसे जुड़ता है और उनकी जर्नी कैसे पैन आउट होती है, ये कहानी में कुछ ऐसा उसका योगदान है. क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ठीक ठाक से? हाँ. अरे रत्ना जी के बारे में क्या बताऊँ. रत्ना जी वो जो 40 साल से काम कर रही है और उनके साथ सेट पे रहना, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो ना सिर्फ खुद के परफॉर्मेंस को देख रही है, वो आपके परफॉर्मेंस को भी देख रही है. और आप देखना, आप पूछ भी सकते हो उनसे कि रत्ना जी मैं ठीक कर रहा हूँ तो, और वो तुरंत को ऐसी बारीक चीज़ पकड़ लेती है और सीन को उठा देती है और सीन को कभी बैठने नहीं देती. तो वो बड़ी जेनरस आर्टिस्ट है और प्यार से कभी डांट भी देती है, जो हमें वैसे बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है. और रत्ना जी के बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ मैं आपको, कि सारी शूटिंग कच्छ में हुई थी, हम सब वहाँ रह रहे थे. तो पार्थिव जो हमारे इतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, हम सबको अच्छे अच्छे रूम दिए थे और हम सब अपनी अपनी कुटियों से बाहर आके शाम को साथ में खाना खाते. तो रत्ना मैम भी आती थी, वो खाना खाती, हम उनको वापस जाने ही नहीं देते थे, उनको घेर लेते थे हम सब लोग. और
उनको बोलते थे बस आप अभी पुरानी कहानियाँ सुनाइए, बातें कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, और वो एक तरह की रात की बैठक बन जाती थी कि हम रत्ना मैम के साथ बैठे बहुत सारी बातें करते थे हम। रत्ना मैम ने हमें नसीर सर की कोई कहानियाँ सुना दी, कहीं अपने थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में बताया। और ये 40 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है यार, 40 साल अगर आपने काम किया है तो। रत्ना मैम, इफ़ यू वॉचिंग दिस, थैंक यू फॉर दोज लवली चैट्स। आप लोग से, आपसे हमने बहुत सीखा, आपके तजुर्बे से और आपके नमी से भी जो दिल में है आपके। तो यार, रत्ना मैम, वी लव यू, और अल्लाह आपको बनाए रखें।